हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे पादप कारिकी का चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने जो ग्लाइकोलिसिस था वो हमने कवर कर लिया था। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद जो अंतिम उत्पाद के रूप में हमें पाइरुविक एसिड मिलता है, तो पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण देखा था, जिसमें वो एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स चक्र या टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र या टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आज का हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। 1937 सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने सर्वप्रथम एसिटिल कोएंजाइम ए के डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया का वर्णन किया, जिसे क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है, उसको क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलते हैं तो आपका आंसर ये है कि सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने सर्वप्रथम जो एसिटिल कोएंजाइम ए का डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया को सर्वप्रथम वर्णन किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे क्रेब्स साइकिल क्रेब्स चक्र बोलते हैं। इसके अलावा इसे टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, मतलब टीसीए चक्र भी कहा जाता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को वर्णन करने के कारण ईएमपी पथवे उसे कहा जाता था। एम्बेन मेयर ऑफ ओपार्नस, इन तीनों वैज्ञानिक ने ग्लाइकोलिसिस को समझाया था, इसलिए उनके नाम पर इसे ईएमपी कहा जा रहा था। वैसे ही सेम टीसीए चक्र को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, क्योंकि क्रेब्स ने इसे सर्वप्रथम समझाया था, वर्णन किया था, ठीक है। यह क्रिया एसिटिल को एंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्थित ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के द्वारा ग्रहण किए जाने से प्रारंभ होता है। जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स चक्र है, वो स्टार्ट कब होता है, जब पाइरुविक एसिड का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में तो रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब उसके मैट्रिक्स में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का कोशिकांग है, तो कोशिकांग का है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहता है, तो उसमें जो उपस्थित जो ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल रहता है, क्या होता है, ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के द्वारा वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। पाइरुविक एसिड जो ऑक्सीकरण होने से जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, उसका ग्रहण हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक। तो ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल कहां रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहता है। तब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए से चक्रीय अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तथा NADH2 FADH2 एवं कोएंजाइम ए की प्राप्ति होती है। अब इसमें क्या होता है, जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए है, उसको ग्रहण हुआ, उससे क्या हुआ, ये जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल, उसकी प्रक्रिया चालू हुई, तो इसका क्या होता है, चक्रिक प्रक्रिया है, क्या है, चक्र के रूप में पूरी होती है, एक चक्रिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, उसका निष्कासन होता है, साथ ही NADH2 FADH2 एवं कोएंजाइम ए, जो NADH2 है, FADH2 और कोएंजाइम ए की प्राप्ति होती है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। इस चक्र में सभी मध्यस्थ रसायन कार्बनिक अम्ल प्रकृति वाले होते हैं। इसमें जो भी आपको मिलेंगे, उत्पाद बनेंगे, जो जो बनता है, वो क्या होता है, रसायन अम्ल प्रकृति वाले होते हैं। जो भी रसायन इसमें मिलेंगे, पदार्थ बनते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ली प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक अम्ल चक्र ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब चूंकि इसमें जो भी रसायन बन रहे, जो भी केमिकल बन रहे हैं, वो अम्ल प्रकृति के हैं, इसलिए इसे कार्बनिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक अम्ल चक्र कौन से साइकिल को कहा जाता है, या फिर ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, तो आप बोलेंगे क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, क्योंकि उसमें जितने भी चक्र के दौरान जितने रसायन बनते हैं, वो अम्ल प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसके क्रम में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद साइट्रिक अम्ल होता है। अब इसके क्रम में, जो चक्रीय क्रम में ये पूरी प्रक्रिया होती है, चक्र के क्रम में ये जो प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की, ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये चक्र के रूप में होती है प्रक्रिया। तो चक्र में जो स्थायी
प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है, जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो होता है हमारा साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल होता है, इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अब इसे प्रथम उत्पाद के रूप में जो साइट्रिक अम्ल बन रहा है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक चक्र या फिर साइट्रिक साइकिल भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम है क्रेब्स साइकिल के, टीसीए चक्र बोलो, कार्बनिक अम्ल चक्र बोलो, या फिर इसलिए साइट्रिक अम्ल चक्र बोलो। तो ये इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबका आपको नाम पता है क्रेब्स चक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रेब्स ने डिफाइन किया था, क्रेब्स ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। टीसीए क्यों बोलते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और साइट्रिक अम्ल प्रथम उत्पाद के रूप में बनते हैं, इसे साइट्रिक चक्र भी बोला जाता है, इसे साइट्रिक अम्ल चक्र बोला जाता है। कार्बनिक अम्ल चक्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें अम्ल प्रकृति के रसायन बनते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो इसके नाम क्यों पड़े, क्यों कहा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? साइट्रिक अम्ल में तीन कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, जो साइट्रिक अम्ल चक्र बना, अब साइट्रिक अम्ल है उसमें तीन कार्बोक्सिलिक समूह होने के कारण इसे टीसीए चक्र भी बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब तीन कार्बोक्सिलिक अम्ल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह होते हैं साइट्रिक अम्ल, इसलिए इसे टीसीए चक्र साइकिल भी कहा जाता है। तो ऐसे ये जो प्रक्रिया है उसके अलग अलग नाम है, तो अलग अलग नाम उनके क्यों है ये भी हमको अभी पता चल गया ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रेब्स चक्र के चरण। अब जो क्रेब्स साइकिल हम पढ़ रहे हैं उसके स्टेप्स देखते हैं, उसके चरण देखते हैं, किन स्टेप्स में ये जो प्रक्रिया है पूरी होती है। ठीक है, तो ये क्रेब्स चक्र का जो चरण है वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला है एसिटिल को एंजाइम ए। एसिटिल को एंजाइम है हमें जो ग्लाइकोलिसिस का, जो जब एक अणु ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, उसका विघटन होता है, उसके बाद हमें मिलता है पाइरूविक एसिड के दो अणु। ठीक है, तो पाइरूविक एसिड के दो अणु जिसमें मिले थे, तो पाइरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें भी ऑक्सीकरण हुआ और हमें मिला था एसिटिल को एंजाइम ए। तो एसिटिल को एंजाइम ए हमें अंतिम रूप में मिला, अंतिम उत्पाद के रूप में। तो यही क्रेब्स साइकिल का प्राथमिक उत्पाद बोलो तो ये काम करता है। ठीक है, प्रारंभिक उसको पदार्थ है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए चार कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक अम्ल एवं एक अणु जल से संयोजन कर छह कार्बन परमाणु युक्त साइट्रिक अम्ल बनाता है। साइट्रिक अम्ल प्राथमिक इसमें उत्पाद है, इसलिए साइट्रिक अम्ल साइकिल भी बोला जाता है, इसलिए है ना। तो मैंने आपको बताया था पीछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहता है ऑक्सलो एसिटिक, ठीक है, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल जो क्या करता है, जो एसिटिल कोएंजाइम ए को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करके एक अणु जल के साथ संयोजित हो जाते हैं H2O के साथ और संयोजन कर छह कार्बन परमाणु वाला क्या बनाते हैं, साइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रक्रम में कोएंजाइम ए मुक्त हो जाता है। जो कोएंजाइम ए है, ये जो कोएंजाइम ए है वो मुक्त हो जाता है। अब देखो इसका प्रोसेस देखो, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए पाइरूविक एसिड के ऑक्सीडेशन के बाद मिला ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट था, वो इसको ग्रहण कर लिया। अब इस क्या करते हैं, एक अणु जल से संयोजित करेंगे, ये दोनों मिलके जल के एक अणु से मिलते हैं, संयोजन करते हैं। उसके बाद ये साइट्रेट सिंथेटेस क्या है, ये एक एंजाइम है। साइट्रेट सिंथेटेस एक एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और साइट्रिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइट्रिक अम्ल बनाता है, साइट्रिक एसिड बनाता है। और जो कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए क्या होता है, रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये तो प्रथम चरण हुआ कि पहले स्टेप्स में क्या हुआ, कौन कौन से रसायन केमिकल आपस में यूज हुए, आपस में मिलकर काम किए, और उसके बाद कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है आपको ये भी ध्यान रखना है, आखिरी में क्या उत्पाद बना और क्या रिलीज हो गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जो आप डिफाइन करेंगे उसको, आप ऐसे फॉर्मूला टाइप से उसको इक्वेशन आपको बनाना भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड लाइन है
अब जो साइट्रिक अम्ल बना, जो उत्पाद बनते जाएंगे ना, वही आगे नेक्स्ट चरण में स्टेप्स में फॉलो होते रहेंगे, ठीक है। तो जो साइट्रिक अम्ल बना वो एक अणु जल खोकर सिस एकोनिटिक अम्ल बनाता है जो एंजाइम से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, साइट्रिक अम्ल है वो क्या होता है, एक अणु H2O एक अणु जल को खो देता है, ठीक है, त्याग देता है साइट्रिक एसिड, और एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में सीस एकोनिटिक एसिड बनाता है, और H2O क्या हुआ, उसके H2O एक जल का अणु वो खो दिया, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड क्या किया, एक जल के अणु को खो दिया, खो के वो एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में सीस एकोनिटिक एसिड बनाता है, उसका फॉर्मेशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप देखते हैं, सीस एकोनिटिक एसिड, सीस एकोनिटिक अम्ल इस बार जल योजन कर, जल का योजन करना मतलब कि जल के साथ संयोजन करना, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करना, तो जल से योजन कर आइसोसाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। अब जो हमें यहाँ पे सेकेंड चरण में, दूसरे चरण में सीस एकोनिटिक एसिड मिला, वो जल योजन माने H2O के साथ मिलकर एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चौथा चरण है, फोर स्टेप्स में देखेंगे। अब जो आइसोसाइट्रिक एसिड मिला वो दो परमाणु हाइड्रोजन 2H को मुक्त कर NAD को NADH2 में अवकृत कर स्वयं ऑक्सलो सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो आइसोसाइट्रिक एसिड है वो क्या कर रहा है, दो परमाणु हाइड्रोजन 2H को मुक्त कर NAD को NADH2 में अवकृत करता है। ये NAD है, NAD से अगर दो हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, NAD था, NAD दो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेस हुआ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन को मुक्त किया तो क्या बना, ये NADH2, H2 मतलब कि दो हाइड्रोजन को वो मुक्त कर दिया है। अब क्या हुआ, वो डिहाइड्रोजिनेस क्या था, ऑक्सलो डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड बनाता है, ठीक है, क्या बना रहा है, ये क्या है, आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस है, ठीक है, क्योंकि आइसोसाइट्रिक एसिड है, आइसोसाइट्रिक एसिड में आइसो आई मतलब आइसो और सी से साइट्रिक, ए से एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड ICA का फुल फॉर्म होगा आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसाइट्रिक एसिड में ICA आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस वर्क करेगा, ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ये काम करता है और इसको किस में बदल देता है, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड में। और क्या बोल रहा है, जो NAD जिससे वर्क करता है, तो NAD क्या कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, तो NAD दो हाइड्रोजन को करेंगे तो NADH2 मतलब कि दो हाइड्रोजन का मुक्त हुआ। चौथा हमें चरण क्लियर हुआ, आगे देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं। अब क्या हुआ, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड बना था ना, तो ऑक्सलो सक्सिनिक अम्ल एक CO2 को मुक्त कर 5 कार्बन परमाणु युक्त अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनाता है। क्या बोल रहा है, ऑक्सलो सक्सिनिक अम्ल जो हमें मिला चौथे चरण से, फोर्थ स्टेप से, जो हमें ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड जो बनता है, तो OSA का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड में उसी का एंजाइम काम करेगा डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, आइसोसाइट्रिक में उसी का एंजाइम काम कर रहा था आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, तो वैसे ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड में उसी का एंजाइम काम करेगा डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ऑक्सलो सक्सिनिक अम्ल एक जहां भी कुछ चीज मुक्त होता है, रिलीज होता है, तो डिहाइड्रोजिनेस का काम करता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाता है, क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। पांचवा चरण हुआ, छठवें चरण में क्या होगा, जो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो हमें पांचवें चरण से मिला था फिफ्थ स्टेप से, वो क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल को कोएंजाइम से
ठीक है। ये क्या था, अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड जो हमें मिला है वो कोएंजाइम से क्रिया करते थे, CO2 को मुक्त करता है। अब क्या करेगा ये कोएंजाइम A से क्रिया करेगा, CO2 को मुक्त करेगा। अल्फा ग्लुटेरिक एसिड कोएंजाइम A से क्रिया करेगा और NADH से NADH2 बना यहाँ पे और सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है यहाँ पे। क्या बना यहाँ पे, सक्सिनिल कोएंजाइम A बना और CO2 क्या हुआ, रिलीज हो गया। ठीक है, CO2 को मुक्त कर दिया। यहाँ तक हमारा सभी स्टेप्स समझ में आए, आपको क्लियर हुआ कि हर स्टेप्स में क्या हो रहा है। हर स्टेप्स में हर एक जो रसायन है, केमिकल है, वो किसी ना किसी चीज से क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, नया उत्पाद बनाएगा। तो नया उत्पाद नेक्स्ट जो चरण रहेगा, नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा, उसमें वो जो नेक्स्ट चरण रहेगा, नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा, उसमें वो उत्पाद के रूप में काम करेगा, वो दूसरे से क्रिया करेगा, उससे क्रिया कर नया उत्पाद बनेगा। ऐसे वो जो चरण है निरंतर चले रहेंगे, हर चरण में नया एंजाइम उससे जो रसायन उससे रिलेटेड एंजाइम वर्क करेगा और क्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, सेवंथ स्टेप देखते हैं, सातवां चरण। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम हमें मिला था छठवें स्टेप से, तो कोएंजाइम A से जल से अभिक्रिया करता था, इसके में जीटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसमें जीडीपी में एक फॉस्फेट समूह जुड़ गया, तो क्या बन गया, वो जीटीपी बन गया है यहाँ पे। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए जल से अभिक्रिया किया, जल के एक अणु से अभिक्रिया किया H2O से और सक्सिनिक एसिड बनाया और कोएंजाइम A को मुक्त कर दिया। ठीक है, सक्सिनिक एसिड बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सक्सिनिक एसिड, देखो एक चरण में जो क्रिया होती है जो हमें मिलता है, वो नेक्स्ट में रसायन वो आगे नेक्स्ट से क्रिया करके ऐसे अलग अलग चरण आगे चलते हैं। तो सक्सिनिक एसिड जो है हाइड्रोजन के दो परमाणु को विमुक्त करता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु को विमुक्त करेगा, जिससे FAD अवकृत हो जाता है तथा फ्यूमेरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अब क्या हो रहा है, जो सक्सिनिक एसिड है वो FAD के दो हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, तो FADH2 बन गया, अवकृत हो गया, उसमें डिहाइड्रोजिनेस हो गया, तो H2 बन गया ना, दो हाइड्रोजन को मुक्त करे तो FAD से, तो FADH2 हो गया और सक्सिनिक एसिड से क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा आपके आठवें स्टेप्स में। आगे नौवां स्टेप देखते हैं, तो जो फ्यूमेरिक एसिड मिला हमको आठवें स्टेप से, तो फ्यूमेरिक अम्ल एक अणु जल को उपयोग कर मैलिक अम्ल, अब क्या करेगा, जो फ्यूमेरिक एसिड हमें मिला था उसमें एक जल का अणु वर्क करेगा, एक जल अणु से संयोजन करेगा, तो फ्यूमेरिक एसिड और H2O के बीच अभिक्रिया होगी और हमें मैलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैलिक एसिड मिलेगा। मैलिक एसिड देखते हैं, मैलिक एसिड जो मैलिक अम्ल है वो उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु को मुक्त करता है तथा NAD को NADH2 में अवकृत कर देता है। जब भी हाइड्रोजन का परमाणु का रिलीज होता है, वो मुक्त करता है, तो या तो NAD अवकृत होगा या फिर FAD अवकृत होगा। ठीक है, तो तथा स्वयं ऑक्सलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित होकर कैफ चक्रों को पूर्णता प्रदान करता है। जो आखिरी स्टेप्स है, देखो जो मैलिक एसिड हमको नौवे स्टेप से जो मिला था वो क्या करता है, NAD में से दो हाइड्रोजन परमाणु को विमुक्त कर दिया, तो ये NADH2 बन गया और लास्ट में हमें मिला ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरी अभिक्रिया हो गई। तो ये देखो इसका डायग्राम देखो, पूरा चक्र के रूप में क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, देखो ये क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है, TCA चक्र है, साइट्रिक चक्र है,
और क्या कार्बनिक अम्ल चक्र है, तो चक्र साइकिल इसे बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप्स है वो एक चक्र के रूप में हम स्टडी करेंगे, एक चक्र के रूप में ये निरंतर वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते, प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसको चक्र के रूप में ही, साइकिल के रूप में ही देखो यहाँ पे पढ़ा गया है, पढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं ताकि क्रिया जो चक्र के रूप में संपन्न होती है, पूरी होती है। तो जो मैंने 10 स्टेप्स बताए क्रेप्स चक्र के, जो स्टेप्स थे, चरण थे, तो वो उस चक्र में क्रमबद्ध क्रम, निरंतर कैसे क्रम चलता है, एक रसायन से उसमें कौन सा पदार्थ अभिक्रिया करता है, फिर कौन सा एंजाइम उसको प्रभावित करता है, फिर नया कौन सा उत्पाद बनता है, फिर ऐसे क्या होते हैं, जो चरण है, जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रक्रिया है, वो चक्र वो निरंतर चलता रहता है। और आपको जो क्रेब्स साइकिल है वो ऐसी हमारी बॉडी में हो चाहे पौधों में हो, निरंतर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, अब देखिए इसको साइकिल के रूप में देखते हैं, जो हमने स्टेप्स देखे वही चक्र के रूप में आपको बनाना है, चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना आप देख लीजिएगा। आप ये देखो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ था जब हमने पहला पढ़ा था, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या बना था, पाइरूविक एसिड मिला था। अब पाइरूविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेज मतलब किसको, मान लो ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ था, एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, एसिटिल कोएंजाइम ए से ही क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है, क्रेब्स साइकिल प्रारंभ होता है। वैसे ही अगर हम लोग फैट्स का हम वसा का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एसिटो एसिटिल कोएंजाइम मिलता है। अब एसिटो एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है तो फिर एसिटिल कोएंजाइम ए मिलता है। वैसे ही प्रोटीन ग्लूकोज के बजाय अगर प्रोटीन का होता है तो अमीनो एसिड्स मिलेगा, अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा तो एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रक्रिया है कि ग्लूकोज के अलावा वसा से, फैट से और प्रोटीन से कैसे अलग अलग एसिटिल कोएंजाइम ए को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ए से ही क्रेब्स साइकिल जो होता है वो उसकी प्रारंभिक पदार्थ उसी से शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। जब एसिटिल कोएंजाइम ए मिल गया हमें, ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम से प्राथमिक उत्पाद हमें क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड। अब ऑक्सलो एसिटिक एसिड से क्रिया करके क्या बना है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, H2O रिलीज हुआ, सिस एकोनिटिक एसिड बनाया। यहाँ पे जो कितने कार्बन है उसको ये डिफाइन कर रहा है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। अब एकोनिटिस एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रिक एसिड बना, इसमें भी 6 कार्बन है। NAD से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन परमाणु विमुक्त हुए, ठीक है, NADH2 बनाए। आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की उपस्थिति में आइसोलोसैसिनिक एसिड बना, 6 कार्बन वाला। डीकार्बोक्सिलेज की एंजाइम की उपस्थिति में CO2 रिलीज हुआ, CO2 मुक्त हुआ और कीटोग्लुटेरिक एसिड बनाया, 5 कार्बन वाला, ठीक है, जो उसके बगल में लिखा है वो कितने कार्बन का बता रहा है। कीटोग्लुटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो कीटोग्लुटेरिक एसिड था वो क्या किया, कोएंजाइम इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ, कोएंजाइम से क्रिया किया, कोएंजाइम ए से, और CO2 को मुक्त किया, CO2 बाहर निकला। इसमें भी NADH2 बना और सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिला हमें। सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट थियोकाइनेस, ठीक है, थियोकाइनेस सक्सिनिल जो है थियोकाइनेस की उपस्थिति में क्या हुआ, H2O क्या हुआ, रिलीज हुआ, GTP से GTP बना और सक्सिनिक एसिड बनाता है, 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन परमाणु वाला। अब क्या होता है, सक्सिनिक एसिड क्या करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में FADH से FADH2 मतलब FAD से 2 हाइड्रोजन मुक्त हुए तो FADH2 बना लिए, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड बना, 4 कार्बन परमाणु वाला, 4 कार्बन परमाणु वाला फ्यूमेरिक एसिड बना। अब क्या हुआ, H2O इसमें अभिक्रिया करता है, फ्यूमेरिक एसिड से H2O अभिक्रिया करेगा फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, फिर वो मैलिक एसिड बनाएगा, 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड।
मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है और NADH से दो हाइड्रोजन परमाणु को विमुक्त करता है, NADH2 बनाता है और एक्सलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन परमाणु वाला हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार जो मैंने स्टेप जो चरण आपको पहले बताया है, जो हमने डिस्क्राइब किया है, उसी को हमको एक चक्र के रूप में बनाना है। यही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप इस फील्ड में, जैसे मैं बताती हूँ, आगे जाओगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आपको स्टेप बाई स्टेप कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो इस स्टेप में कौन सा रसायन बना, केमिकल बना, ये सब आपको पूछते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्टेप जो फॉलो किए, जो चरण आपको बताए, उसी को ये डायग्राम मतलब कि चक्र के रूप में बनाना है, एक सर्कल के रूप में। और इस यही एक क्या है, क्रेब्स साइकिल है, TCA चक्र बोलो, कैवरिंग अम्ल चक्र बोलो या फिर साइट्रिक चक्र बोलो, साइट्रिक अम्ल चक्र। तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि साइट्रिक अम्ल चक्र का वर्णन कीजिए, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइट्रिक अम्ल चक्र तो हमको मैम नहीं पढ़ाई, सर नहीं पढ़ाए, तो ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो क्या होता है, कई बार एक ही क्वेश्चन को घुमा के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ दिया है तो उसके और क्या नाम है और उसके नाम क्यों पढ़े, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस को EMP पथवे भी बोला जाता है। EMP क्यों बोला जाता है, क्योंकि एमडेन, एम से मेयरहाउ और पी से पारनास, इन तीनों ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को दिया था, इसलिए इसके नाम पर भी समझाया जाता है। अगर आपको बोलते हैं EMP पथवे को डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको ग्लाइकोलिसिस को ही समझाना है। क्या है क्वेश्चन ना, एग्जाम में हेर बदल के दे सकते हैं, फेर बदल के दे सकते हैं, अदल बदल का दे सकते हैं। इससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे सोचते हैं अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं है, बट क्या है, एक ही क्वेश्चन रहता है, उसको बदल कर दे दिया जाता है, पर आंसर वही होता है। आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, आपको बोल देंगे क्रेब्स चक्र क्या होता है उसको वर्णन कीजिए, क्रेब्स साइकिल का आपको ऐसे बोल देंगे, या फिर TCA चक्र को बताइए, या तो कार्बनिक अम्ल चक्र को बताइए, या तो साइट्रिक अम्ल चक्र को बताइए। तो ये चारों जो है वो इसी चक्र को बोला जाता है। तो जो भी इसका क्वेश्चन आएंगे, ऐसा अलग अलग जो क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर तो यही होगा। जो स्टेप्स मैंने बताए वो पूरे स्टेप्स आपको लिखने हैं, और जो ये डायग्राम है, जो आपने स्टेप्स जो पढ़े हैं, जो चरण को क्रेब्स साइकिल के, उसी को जो आपने पढ़ा है ना, उसी को एक साइकिल के रूप में बनाना है। और क्या उसमें ऐड हुआ, क्या उसमें ऐड हुआ, वो आपको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो ऐड उसमें ऐसे करें, ठीक है, जो कोएंजाइम ए उसमें ऐड हो रहा है और जो निकल रहा है उसको बाहर के लिए और दर्शाना है। जो भी कार्बन परमाणु वाला, जितने कार्बन परमाणु का होगा वो उसके रसायन के बगल में लिखना है। जैसे ये 5 कार्बन वाला था, इसमें 5 कार्बन लिखे। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन वाला, इसमें 4 कार्बन लिखे। सी सैकोनेटिक एसिड 6 कार्बन वाला, इसलिए जो जितने कार्बन परमाणु का होगा उसको बगल में लिखना है। जो एंजाइम यूज हो रहा है उसको, वो जो एरो है उसके बीच में लिखना है। अगर एफिडी से कुछ हाइड्रोजन विमुक्त हो रहा है उसको ऐसे आप शो करेंगे, जो चीज उसमें बन रहा है उसको ऐसे शो करेंगे। GTP से GTP बन गया, जैसे कि NAD से NADH2 बन गया, तो ऐसे इसको शो करने का एक साइन है, एक तरीका है। उसके बाद क्या होता है, ये जितने भी ATP इसमें फॉर्म होते हैं, जितने भी बनते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ए में जाते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप्स में फॉलो करेंगे। अब देख लेते हैं हम, जो हमने क्रेब्स चक्र पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल पढ़ा है, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, क्या महत्व है हमारे लिए, पौधों के लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखते हैं। तो क्रेब्स चक्र में सभी हाइड्रोजन परमाणु विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों, जैसे NAD, तो ये जो NAD FAD जो होते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहते हैं, हाइड्रोजन ग्राही होते हैं, तथा साइटोक्रोम BCAA3 द्वारा ग्रहण किए जाते तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर श्रृंखला में प्रवेश करते तथा ATP संश्लेषण को संभव बनाते हैं। तो क्रेब्स चक्र में जो बहुत से जो हाइड्रोजन परमाणु जो रिलीज होते हैं, जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन ग्राहियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। साइटोक्रोम जो दिया है यहाँ पे BCAA3 द्वारा ग्रहण किए ले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और ATP संश्लेषण, तो ATP ऊर्जा
का जो स्रोत है, सोर्स है, एटीपी का संश्लेषण करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या बॉडी बेसिकली जो भी जो प्रक्रिया हो रही है हमारे बॉडी के लिए हो रही है, जिससे हमको एनर्जी मिल सके, जिससे हमको ऊर्जा मिल सके। तो ये पूरा क्या होता है, जो भी हमको प्रोसेस मिल रहा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन श्रृंखला में जाएगा, ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, वहां क्या करेगा, एटीपी के संश्लेषण मतलब कि ऊर्जा निर्माण में भागीदारी करता है, ठीक है। दूसरा है क्रेब्स चक्र के मध्यस्थ रसायन विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों तथा कोएंजाइम ए, वसी अम्ल, एरोमेलिक यौगिक, कैरोटीनाइजस तथ्य, जिब्रोकिन्स के संश्लेषण के आधार का कार्य करता है। अब बोल रहे हैं कि जो क्रेब्स साइकिल में हमें जितने रसायन पड़ रहे थे ना, जैसे फ्यूमेरिकोस हो गया, सक्सिनिल एसिड हो गया, सी सेकोनेटिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, जो भी हमको मिल रहा था ना, तो ये जो रसायन थे, केमिकल थे, वो क्या कर रहे थे, कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम ए, वसी अम्ल के, एरोमेटिक यौगिक के, ये सब जितने चीज यहाँ पे लिखे हैं ना, उसके संश्लेषण में, उनके सिंथेसिस में आधार के रूप में काम करते। जो भी हमने अभी रसायन पढ़े थे, जितने भी जो केमिकल्स पढ़े थे, वो इनके संश्लेषण के लिए जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनके लिए संश्लेषण का आधार के रूप में, बेस के रूप में काम करते हैं, सबस्ट्रेट का कार्य करते हैं। थर्ड लाइन है यह हेक्सो शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो अम्ल तथा वसा के ऑक्सीकरण का सामान्य पथ है। अब जो हेक्सो शर्करा मतलब कि ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज है, हेक्सो शर्करा है, तो उसके अमीनो अम्ल और वसा, ये सब जो वसा का ऑक्सीकरण होता है, अमीनो अम्ल का होता है, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके सामान्य रूप का ऑक्सीकरण का सामान्य पथ है ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है क्रेब्स चक्र के मध्यस्थ यौगिक सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्लोरोफिल के पायरोल यौगिक साइटोक्रोम एवं फाइटोक्रोम के निर्माण में भाग लेते हैं। जो क्रेब्स चक्र के जो मध्यस्थ यौगिक जो मिला हमें, सक्सिनिल कोएंजाइम मिलता है, एक रसायन मिलता है, उसके स्टेप्स में जब चरण हम पढ़ रहे थे तो हमें मिला था ना सक्सिनिल कोएंजाइम, वो क्लोरोफिल के पायरोल यौगिक साइटोक्रोम एवं फाइटोक्रोम के निर्माण में भाग लेता है। जो रसायन हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम हमें मिला था, जो क्लोरोफिल होता है उसके पायरोल यौगिक साइटोक्रोम एवं फाइटोक्रोम के निर्माण में भाग लेता है। पांचवा है इस चक्र का जो प्राथमिक ग्राहक रहता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल क्या था, जो एसिटिल कोएंजाइम ए को ग्रहण कर रहा था, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित था, तो क्या है, प्राथमिक ग्राहक था, ग्रहण करने वाला क्या होता है, ग्राहक होता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो एमिनेशन के पश्चात पिरामिडिन्स एवं एल्केलॉइड्स के संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो ऑक्जेलो एसिटिक जो प्राथमिक ग्राहक था, जो ग्राहक के रूप में ग्रहण कर रहा था एसिटिल कोएंजाइम ए को, वो क्या करता है, जब एनिमेशन होता है, एमिनेशन होता है, ठीक है, सॉरी एमिनेशन होता है, अमीनो एसिड का एमिनेशन होता है, उसके पश्चात जो पिरामिडिन्स होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं, उनके संश्लेषण में, उनके निर्माण में भाग लेते हैं। अब है सिक्स्थ पॉइंट, इस चक्र में डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा CO2 तथा डीहाइड्रोजिनेशन द्वारा एसिड परमाणु मुक्त होते हैं। कार्बोक्सिलेशन से आपको समझ आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब कि वो मुक्त हो रहे, रिलीज हो रहे हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, और हाइड्रोजिनेशन मतलब कि डीहाइड्रोजिनेशन मतलब H हाइड्रोजन परमाणु से है, तो डीकार्बोनेशन और CO2 होगा, डीहाइड्रोजिनेशन मतलब एच परमाणु होगा, वो मुक्त होते हैं। लास्ट पॉइंट है सेवेंथ पॉइंट, क्रेब्स चक्र द्वारा 24 एटीपी का संश्लेषण संभव बनाया जाता है। अब क्रेब्स चक्र जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था, तो टोटल उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को मिलाया जाए तो 8 एटीपी संश्लेषित हो रहे थे, 8 एटीपी का निर्माण हो रहा था। और क्रेब्स साइकिल से, बल्कि जो क्रेब्स साइकिल होता है, TCA साइकिल, उससे अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी बनते हैं, तो 24 एटीपी का संश्लेषण होता है क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल का महत्व था, सिग्निफिकेंस था क्रेब्स चक्र का, उसका महत्व था जो हम पढ़े, अभी स्टडी किए हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ ऑक्सीकरण के बाद कौन से यौगिक बने, हाइड्रोजन ग्राहक कौन थे, और एटीपी के उत्पादित ठीक है उत्पादित एटीपी की संख्या, तो क्या हुआ, आइसोसाइट्रिक अम्ल, आइसोसाइट्रिक अम्ल से ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल बना था। यह हमने उसके जब चरण पढ़े क्रेब्स साइकिल के, तब हमने देखा आइसोसाइट्रिक अम्ल से जो ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ को यहाँ बनेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, उसके बाद कौन सा यौगिक बना,
तो हाइड्रोजन ग्रह कौन सा था वहां पे और एटीपी की संख्या कितनी बनी। तो आइसोसैट्रिक अम्ल का जब ऑक्सीडेशन हुआ और ये ऑक्सीकृत हुई तो ऑक्सैलोसक्सीनिक अम्ल बना। तो वहां पे हाइड्रोजन ग्राहक एनएडी था, तो एनएडी क्या किया, दो हाइड्रोजन को विमुक्त किया था, जिसे दो को किया था, तो एक एनएडी क्या करता है, तीन एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, दो हाइड्रोजन को विमुक्त किया था, इसलिए 3x2 मतलब 6 एटीपी बने वहां पे। अल्फा कीटोग्लुटेरिक अम्ल जो था, अल्फा कीटोग्लुटेरिक अम्ल ऑक्सीकृत हुआ और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया। यहाँ भी एनएडी दो ठो हाइड्रोजन को विमुक्त करता है, अवकृत हो जाता है, मतलब 2x3 6 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकृत होता है, सक्सिनिक अम्ल बनाता है, यहाँ पे जीटीपी से जीटीपी बनता है। तो जो जीटीपी होता है वो जो जीटीपी होता है वो क्या करता है, वो एक ही एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए 2x A हुआ, दो एटीपी बनाया वो। सक्सिनिक अम्ल जो था, सक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है, ऑक्सीकृत होके एफईडी से दो हाइड्रोजन परमाणु को विमुक्त किया, 2x2 मतलब कि एक एफईडी से दो एटीपी प्राप्त होता है, तो 2x2 दो एफईडी से दो 2x2 4 एटीपी मिला। मैलिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाता है, यहाँ पे एनएडी से दो हाइड्रोजन विमुक्त हो जाते हैं, चूंकि एक एनएडी से तीन होते हैं, इसलिए दो एनएडी से कितना हुआ, 3x2 6 टोटल, इसको काउंट करेंगे तो कुल एटीपी 24 का संश्लेषण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हुआ, ये पूरा क्रेब्स साइकिल था, जो रेस्पिरेशन का एक टाइप है, ऑक्सीकरण का एक स्टेप्स है, ऑक्सीडेशन का एक चरण है। तो क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट नाम कैसे हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो अलग अलग इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैंने जैसे समझा दिया, तो क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से आपको हेयर बदल के पूछ सकते हैं, पर आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो आपको पहले क्रेब्स साइकिल होता क्या है, उसका नाम ऐसा ऐसा क्यों पड़ा, किसने डिफाइन किया, इसमें क्या होता है, प्राथमिक उत्पाद, वो आपको बताना है। फिर उसके पूरे स्टेप्स जैसे मैंने बताए 10 चरण, उसको वैसे बताना है, फॉलो करना है। जो हमने जो चरण बताए ना, उसको हम एक साइकिल के रूप में शो कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद हम बता देंगे लास्ट में कि क्रेब्स साइकिल का महत्व क्या है और उसमें से टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो ये होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं बोलते आई हूँ, तो आपको ये प्रैक्टिस में आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करें वो आपके लिए अच्छा होगा। एक बार में आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे स्किप करके इसे छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।